हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी यूट्यूब चैनल। इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड थर्ड वनडे इंटरनेशनल आज खेला जाएगा, जो कि फाइनल वनडे है इस सीरीज़ का। तीन मैच की ये सीरीज थी, दो मैच हो चुके हैं जिसमें से इंग्लैंड एक जीती है और एक इंडिया जीत चुकी है। तो लास्ट मैच इंग्लैंड जीती थी, उससे पहला वाला मैच इंडिया जीती थी। तो है ये मैच होने वाला है हेडिंग्ली लीड्स पर। अब इस वाली वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ड्रीम इलेवन टीम मिलेगी, प्लेइंग इलेवन मिलेगी और जो भी इंजर्ड प्लेयर हैं उनके बारे में आप कुछ बातें बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। हेडिंगली लीड्स का ये मैच है। देखिए हेडिंगली लीड्स जो है ये है होम ग्राउंड यॉर्कशायर का, और यॉर्कशायर से टोटल इंग्लैंड के अंदर जो प्लेयर्स खेलते हैं वो खेलते हैं 5 से 6 प्लेयर्स। तो वो सारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस वाले मैच में कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन से बिल्कुल यूज टू हैं वो सारे के सारे प्लेयर्स। तो वो सारे प्लेयर्स के नाम भी बताऊंगा, जो रूट हो गए, जॉनी बेस्टो हो गए, डेविड विली हो गए, लियम प्लंकेट हो गए, आदिल रशीद हो गए। तो बहुत से प्लेयर हैं जो कि यॉर्कशायर से ही इंग्लैंड की टीम से खेलते हैं। तो अब उनके ऊपर थोड़ी सी नज़र इस वाले मैच में हम रख सकते हैं। और यहाँ से अगर हम देखें टोटल वनडे मैचेस जो हुए हैं यहाँ पे 40 हुए हुए हैं, 15 बैट फर्स्ट जीती है और 23 जो है वो बॉल फर्स्ट जीती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल यहाँ पे रहता है 222 का और एवरेज सेकंड इनिंग टोटल 203 का रहता है। पर अगर यहाँ पर देखें 2017 में अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंग्लैंड ने बनाए थे 339 रन यहाँ पर हेडिंगली पे। इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ये बनाए थे और लोएस्ट टोटल 93 का यहाँ पे है। अगर हम रॉयल लंडन वनडे कप देखें 2018 का, जो कि पिछले ही महीने ख़त्म हुआ है, तो उसमें देखें यॉर्कशायर ने पहला मैच जो खेला था वॉरविकशायर के अगेंस्ट खेला था। यहाँ पे एक 4 मैच होने थे जिसमें से एक बारिश के कारण अबैंडन हो गया था। यहाँ पर अगर हम देखें तो 247 रन बनाए थे पहले मैच में उन्होंने, फिर वॉरविकशायर ने यहाँ पर 248 रन कर दिए थे 45 ओवर में। फिर अपने हमने 350 रन का भी देखा जिसमें वर्स्टेशर ने 350 रन करे, यॉर्कशायर चेज नहीं कर पाई, 346 रन ही बना पाई। फिर नॉर्थहैम्पटन ने 241 बॉल आउट हो गई और यॉर्कशायर ने 245 बना ली। तो रन यहाँ पर बन सकते हैं अगर टीम अच्छा खेले, अगर अपनी दम पे पूरा खेले तो कोई प्लेयर 2-3 चल जाए तो यहाँ पे बड़ा स्कोर देख सकता है, 300-350 रन का स्कोर देख सकता है। अब यहाँ पर पार्टली क्लाउडी जो है वो वेदर रहने वाला है, थोड़े बहुत थंडर स्टॉर्म भी आ सकते हैं, थोड़ी बहुत बारिश भी हो सकती है, ऐसा वेदर रिपोर्ट कह रही है। अब सीधा चलते हैं प्लेइंग इलेवन की तरफ। देखिए लास्ट मैच में मोइन अली की बॉल पर जेसन रॉय के जब वो कैच करने गए थे तो वो उनकी उंगली में थोड़ी सी चोट लग गई थी, तो उसकी वजह से शायद इस वाले मैच में वो ना खेले। फिटनेस टेस्ट उनका भी होगा, चेक किया जाएगा मैच से पहले। तो जेम्स विंस को बुलाया गया, तो अगर जेसन रॉय नहीं खेलते तो सीधा जेम्स विंस टीम के अंदर आएंगे ओपन करने। 80% चांस जेम्स विंस के हैं और स्क्वाड के अंदर सैम बिलिंग्स भी है, तो शायद सैम बिलिंग्स से भी ओपन करवा सकते हैं। वैसे जेम्स विंस जो है वो जेन्युइन ओपनर है, तो उनको ही ओपन कराया जा सकता है जॉनी बेस्टो के साथ। बाकी सारे प्लेयर वही रहेंगे, जो रूट, ओइन मॉर्गन, बेन स्टोक्स, जॉश बटलर, मोइन अली, डेविड विली, लियम प्लंकेट, आदिल रशीद और मार्क वुड। तो यही 11 रहने वाली है इंग्लैंड की। अब इंडिया की टीम में देखें तो रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, नंबर 3 पे विराट कोहली आएंगे, ये लिख लेना यहाँ पे, नंबर 3 पे आएंगे। नंबर 4 पे केएल राहुल, नंबर 5 पे सुरेश रैना। अब ये नंबर 4 और ये नंबर 5 जो है इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है वो सेटल नहीं हो पा रहा है, एक साल से कम रह गया है। अब वर्ल्ड कप शुरू होने में 16 से 17 मैच इंडिया को वनडे खेलने हैं, तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 और नंबर 5 का जो स्लॉट है उसमें अभी प्लेयर्स नहीं बनते नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर सुरेश रैना ही खेलेंगे। फिर नंबर 6 पर MS धोनी, हार्दिक पांड्या होंगे। 7वें नंबर पर भुवनेश्वर कुमार लगभग फिट हैं, तो ये 90% आप कह सकते हो भुवनेश्वर कुमार वाला मैच खेलते नजर आएंगे। सिद्धार्थ कौल को बाहर बैठना पड़ेगा, उमेश यादव नंबर फिर आएंगे कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल। तो यही टीम रहने वाली है इंडिया की। एक चेंज हो सकता है जो कि भुवनेश्वर कुमार सिद्धार्थ कौल की जगह आ सकते हैं। अब सीधा आपको लेकर चलता हूँ ड्रीम इलेवन टीम की तरफ और टीम बनाकर दिखाता हूँ। तो जॉश बटलर को लेना बिल्कुल ठीक रहेगा, यहाँ पर आप MS को भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि MS रन कर सकते हैं, इनकी बैटिंग हर मैच में आ सकती है इस वाले मैच में भी अगर इंडिया का टॉप ऑर्डर नहीं चला तो। अब पांच जो मैंने बैट्समैन लिए हैं वो हैं विराट कोहली, जॉनी बेस्टो, रोहित शर्मा को लिया हुआ, जेसन रॉय को देखिए यहाँ पे छोड़ा हुआ है मैंने, क्योंकि उनकी इंजरी है, फिंगर इंजरी, शायद ना खेले, थोड़े से रिस्की हो सकते हैं। अगर ग्रैंड लीग में आप लेना चाहो तो मैं कैप्टन जरूर बनाना, इनको बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर ये हैं। शिखर धवन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फॉर्म में हैं, वैसे ठीक ठाक फॉर्म में है, चल गए तो बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। जो रूट लास्ट मैच में 100 थी इनकी और क्रेडिट नहीं है, इसलिए केएल राहुल नहीं तो शिखर धवन को ले सकते थे। नीचे से ओइन मॉर्गन का एक अच्छा ऑप्शन रहता है, अगर आप चाहो तो सुरेश रैना से भी ट्राई कर सकते हो। अब दो ऑलराउंडर जो है वो हार्दिक पांड्या और मोइन अली को मैं ले रहा हूँ, बेन स्टोक्स को लेने के यहाँ पे क्रेडिट नहीं बच रहे हैं, क्योंकि इस मैच में थोड़े से क्रेडिट की दिक्कत आ रही है। अब तीन जो मैंने यहाँ से बॉलर्स लिए हुए हैं वो हैं कुलदीप यादव और लियम प्लंकेट और डेविड विली, क्योंकि ये दो प्लेयर्स बैटिंग भी कर सकते हैं। लास्ट मैच में आपने देखा डेविड विली ने 50 बनाई, बहुत तेज़ी से उन्होंने बैटिंग करी, और लियम प्लंकेट ने लास्ट मैच में बहुत विकेट ली थी। अगर आप चाहो तो यॉर्कशायर का एक और प्लेयर ले सकते हो जो कि है आदिल रशीद। तो यहाँ पर हमने लगभग सारे प्लेयर यॉर्कशायर के कवर कर लिए हैं, सिर्फ आदिल रशीद छूटे हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हो।
बाकी जॉनी बेस्टो हैं हमारी टीम में, जो रूट भी हमारी टीम में, तो सारे यॉर्कशायर के प्लेयर हमने ले लिए हैं। अब नेक्स्ट कैप्टन वाइस कैप्टन कौन बनेगा, तो विराट कोहली को नो डाउट आँख बंद करके आप कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि यही मेन प्लेयर है इंडिया की टीम से जो जिसके आप ऊपर आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो, तो उनको कैप्टन बना सकते हो स्मॉल लीग में। अब वाइस कैप्टन कौन है, जॉनी बेस्टो अपने होम पे खेलेंगे तो जॉनी बेस्टो को बना सकते हो, और जो रूट ऑप्शन है नो डाउट रोहित शर्मा ऑप्शन है, तो ये अगर रोहित शर्मा की जगह शिखर धवन ले रहे हो तो उनको भी बना सकते हो। तो यहाँ से तो मैं जॉनी बेस्टो को ही वाइस कैप्टन रख रहा हूँ। अब यहाँ से रूट का ऑप्शन बन रहा है, रोहित शर्मा का ऑप्शन बन रहा है, चौथे नंबर पे केएल राहुल खेलने आएंगे। अब चौथे नंबर पे वो कैसा खेलते हैं वो तो देखने वाली बात होगी, अब तक तो चले नहीं है दो मैचेस से, लास्ट पहले मैच में तो ज़्यादा कुंती बैटिंग नहीं मिली थी, तो यही मैं ऑप्शन बोलूँगा आपको। ये चार ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त आपके लिए रह सकते हैं, एनी में कहीं आप शफलिंग कर लेना अगर स्मॉल लीग खेल रहे हो, ग्रैंड लीग में तो आप किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, वहाँ पर कॉम्बिनेशन कुछ अलग होते हैं। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक का बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।